सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे जितने मेरे इंडियन भाई लोग हैं उनको चाइना में कौन कौन सी जॉब मिल सकती है और वियतनाम में कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मुझको ऑलमोस्ट चाइना में 1 साल मैंने काम किया है और वियतनाम में मैंने 2 साल काम किया है, तो मुझे आइडिया है यहाँ पे इंडियंस किस किस फील्ड में काम करते हैं। तो गाइस, पहले मैं चाइना के बारे में बताता हूँ आपको। चाइना में बहुत फील्ड है जहाँ पे हमारे इंडियंस लोग काम कर सकते हैं। तो गाइस, मैं वन बाय वन आपको बताते जाऊँगा। अगर आप भी इस फील्ड से हो तो इन फ्यूचर जब कोविड ख़त्म हो जाएगा और इंडिया से चाइना के लिए फ़्लाइट रेगुलरली चलनी शुरू हो जाएगी तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे किसी भी कंपनी को, जिस कंपनी का आपको गूगल में जो भी आपको जॉब मिलती है चाइना में किसी भी थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन चाइना में आपको किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। तो पहली जो चीज़ है, अगर चाइना में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, क्योंकि अगर किसी कंट्री को रिक्वायरमेंट किसी लेबर की है या किसी भी स्टाफ जो भी उसे चाहिए होगा, तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ गाइस, आईटी फील्ड में चाइना को इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वहाँ पे एक सिटी है, सेंजेन सिटी नाम से है गुआंजो में, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वो सिलिकॉन सिटी बोल सकते हो आप उसको चाइना की, और वहाँ पे बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलपर और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, और जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं तो वहीं पे वो बनते हैं ज़्यादातर सेंजेन में। को सेकंड चीज़ है होटल लाइन में, चाइना में बहुत बेहतरीन होटल है, बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे सिटी। तो होटल लाइन में भी हमारे इंडियन जितने भी भाई लोग हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चेन्स है होटल की, तो आप किसी भी चेन के थ्रू, होटल के थ्रू आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो सेकेंड मैंने बताया आपको होटल लाइन में भी वहाँ पे इंडियंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, योगा फील्ड। योगा तो तुम्हें पता ही, योगा पूरे वर्ल्ड में फैल रखा है, चाइना के लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं योगा को, जिम एंड योगा। तो योगा को बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आप योगा टीचर हो या फिर कोई फिटनेस टीचर हो तो आप वहाँ के लिए ज्वाइन कर सकते हो। किसी सेंटर पे आप, अगर आपकी जान पहचान है, आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता, तो आप योगा के फील्ड में भी वहाँ पे जा सकते हो। और बहुत से इंडियन योगा जॉब करते हैं चाइना में गाइस। तो गाइस, फोर्थ पॉइंट मेरा है इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है चाइना में। आप जितनी भी बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं वहाँ पर ये लोग वैसे वेस्टर्न लैंग्वेजों को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, बट आने वाले टाइम में उन लोगों को भी पता है इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। किसी भी वर्ल्ड में किसी भी चीज़, किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी फील्ड में अगर आप किसी से बातें करनी है, अगर चाइना से बाहर निकलना है, तो वहाँ पे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उन लोगों को पड़ती है। तो वहाँ पे इंग्लिश टीचर का भी बहुत ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पे। तो गाइस, फोर्थ पॉइंट है इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ती है, और मैंने देखा भी है वहाँ पे काफ़ी अंग्रेज। मैंने जितनी भी सिटियाँ मैं वहाँ पे घूमा हूँ तो मैंने काफ़ी अंग्रेज़ देखा, तो जब मैं उनसे पूछता था तो बोलते थे मैम यहाँ पे इंग्लिश टीचर है। तो वहाँ पे इंग्लिश टीचरों को भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये जॉब आपको मिल सकती है चाइना में, अगर आप लोग अप्लाई करो या किसी के भी थ्रू वहाँ पे कोई गूगल वगैरह या कुछ भी आपको कुछ मिलता है या आपका कोई फ्रेंड वगैरह रहता है तो उससे आप कांटेक्ट करके इजीली इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हो। तो ये 4 जॉबों का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है चाइना में, और इन फ्यूचर ये बढ़ने ही वाला है। तो गाइज़, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 140 करोड़ पॉपुलेशन है उनकी। तो उसके ऊपर तो आप सोच ही सकते हो कितने ज़्यादा टीचर चाहिए। दिक्कत अभी ये है, ये कोविड का टाइम चल रहा है तो कोई भी कंपनी अभी हायर नहीं कर रही है किसी को, है ना। तो इन फ्यूचर अब जैसे जैसे ये कोविड का समय कम कम होता रहेगा, जैसे जैसे कोविड सही होता रहेगा, सिचुएशन कंट्रोल में होगी और एकदम ठीक हो जाएगा, तो इजीली आप लोग अप्लाई कर सकते हो गाइस। तो ये मैंने आपको चाइना के बारे में बताया, ये 4 तो हाईली मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा जॉबें निकलती है चाइना में। तो अब हम बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम और चाइना एक दूसरे से लगे हुए देश हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही सीन है जो चाइना में है, और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो हमारे जितने भी मेरे दोस्तों गए यहाँ पे, इनसे मैं पूछता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 पे एक होटल लाइन है और दूसरी है यहाँ योगा फील्ड की लाइन। तो यहाँ पे योगा फील्ड के बहुत सारे वर्कर हैं हमारे इंडिया के, जितने भी टीचर हैं यहाँ पे योगा बहुत ज़्यादा टीच करते हैं। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो हमारे इंडिया को IT हब माना जाता है, तो वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हमारे इंजीनियर निकलते हैं, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वियतनाम में काफ़ी लोग काम करते हैं, और एक डॉक्टर फील्ड में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और हमारी जो मेडिसिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई कंपनी को जानते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे इंडियंस की, है ना, क्योंकि उनको डील करना पड़ता है जो भी इंडियंस से आता है, तो लैंग्वेज बैरियर बनता है। तो हमारे जो इंडियन लोग होते हैं कंपनी के साथ बात करते हैं किसी वियतनामी कंपनी के साथ, तो ईजिली उनको समझा पाते हैं कि हमको कौन सी कंपनी की कितनी दवाइयाँ चाहिए या कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जॉब्स की, है ना। और सेम ये चाइना में भी है, मेरे चाइना में जो भी साउथ चाइना है तो वहाँ पे
तमिल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता हो इंडिया के थ्रू, और तुमको पता ही होगा जितना भी हमारा शिप ने भी हमारा एक्सपोर्ट होता है माल मेनली हमारे साउथ इंडिया से होता है, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर ना बने, तो हमारी जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है आईना में भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ताकि वो डील ईजिली कर पाए, उनको समझा पाए, है ना। तो ये मैंने आपको बताया गाइस। और मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हो या कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूँ इन फ्यूचर जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, कृपया करके अगर आपके पास टाइम है तो उस लैंग्वेज को सीखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश भी बोली जाएगी, बट चाइनीज़ जो लैंग्वेज है बहुत से देश इसको फॉलो करते हैं, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियाँ हैं, जितनी भी हमारी आसियान कंट्री है यहाँ पे भी चाइनीज़ वगैरह सीखी जाती है और कई स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड इन फ्यूचर बढ़ने वाली है। तो गाइज़ मैंने आपको बताया है चाइना में और वियतनाम में सिमिलर टाइप की जॉबें हैं, मतलब इंडियंस के लिए हैं, टोटल ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है ये फील्ड की यहाँ पे जॉबें होती है। तो गाइज़ मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है चाइना और वियतनाम में कौन कौन सी जॉब हम इंडियंस के लिए मिल सकती है। तो गाइज़ अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत गाइज़, बाय।